नमस्कार दोस्तों, नेपाल की रेणुका दहल जिन्होंने भारत के एक शो में तहलका मचा दिया है जो कि इंडियन आइडल सीजन 14 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के भारत के शो पर देखने को मिल रही हैं, और इनकी परफॉर्मेंस ने जजेस के साथ साथ ऑडियंस को भी रुला दिया। जिस लहजे से वो गाती हैं, जिस तरीके से वो गाती हैं, इतनी मिठास है उनकी आवाज में कि उसको सुनकर सभी के आंसू निकल आए, और नेपाल की इस लड़की को भारत काफी ज्यादा प्यार करने लगा, और अपनी आवाज के दम पे, अपनी सिंगिंग के दम पर उन्होंने सब कुछ प्रूफ किया। जिस चीज को मैं पूछता हूँ म्यूजिक को, वो आप हो। दोस्तों, नेपाली सिंगर मेनुका पौडेल जो कि पहली बार कोई रियलिटी शो में नहीं आई हैं, इस बार तो वो इंडियन आइडल सीजन 14 में दिख रही हैं, लेकिन उससे पहले वो नेपाल आइडल सीजन 1 में दिखी थी। साथ ही साथ 2018 में वो भारत के सारे गामा पा नाम के शो में भी गाई थी, लेकिन वहां से उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अब जो एंट्री की है उन्होंने वो काफी काबिले तारीफ है, और उनकी ये मेहनत और भी ज्यादा बड़ी इसलिए दिखती है क्योंकि मेनुका 25 साल की हैं और वो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी उनके पास एक पैशन था बचपन से ही गाना गाने का। नेपाल आइडल से उन्हें इलिमिनेशन मिला और उसके बाद वो भारत के सारेगामापा शो में गई और वहां पर वो टॉप 11 में पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन उसके बाद उनका सफर वहां पर खत्म हुआ और अब उन्होंने एक बार फिर से कमर कस दी है इंडियन आइडल सीजन 14 में। और जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस यहां पर हुई, जजेस श्रेया घोषाल, कुमार सानू और विशाल ददलानी बिल्कुल डीपली गाने में खो गए। उनके गाने ने सभी जजेस की आंखों में आंसू ला दिए क्योंकि वो उतना सोलफुली गा रही थी, इतना दिल से गा रही थी कि लोग बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे थे, और मुझे भी उनका गाना बहुत ज्यादा पसंद आया। और उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन जजेस से मिला और उनको गोल्डन माइक मिला थिएटर राउंड में। साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने इंडियन आइडल के टॉप 15 में जगह भी बना ली अपनी यूनिक आवाज से। और आपको बता दें कि मेनुका वो पहली कंटेस्टेंट है इंडियन आइडल की भारत के शो में जो कि एक नेपाली सिटीजन है, और मेनुका की ये जर्नी अभी शुरू हुई है। उनको कई सारी रिकमेंडेशन मिल रही है और आने वाले समय उनके गाने देखने को मिलेंगे मूवीज में, जिस तरह की उनकी आवाज है, और कई जजेस ने इसकी बात भी की है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत जल्द आप मेनुका को कई गानों में सुन पाएंगे क्योंकि वो जिस लेवल की गायक है और जिस लेवल का टैलेंट उनके पास है, बहुत चुनिंदा लोगों के पास है। आपने क्या सुने हैं मेनुका के गाने, और क्या आप उनसे प्रभावित हैं? आपको वो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में उनके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और उनको कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा, साथ ही होप जरूर कीजिएगा, उनके लिए प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वो इस शो में आगे बढ़ती रहे।